सबसे पहले तो इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का। चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे आप एज अ कस्टमर ही क्यों ना हो, ठीक है। कस्टमर को तो खैर बहुत रेयर केस में ही मिलता है डिफेक्टिव, लेकिन डिफेक्टिव मिलता है, ठीक है। और वो कैसे मिलता है, ठीक है, अगर आप पूछोगे कि मेरे पास वो कैसे आ जाता है, ठीक है, तो आप इससे पहले का बहुत सारा वीडियो में आप बहुत सारा कलेक्शन देखे होंगे, ठीक है। और यही रीज़न होता है कि जो ब्रांड्स, ठीक है, या जो वेंडर का प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, जिसका क्वालिटी अच्छा लगता है, मैं उसका बार बार रिपीट करता हूँ। लेकिन रिपीटेड में एक प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, रिपीटेशन में एक ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको फिर सेम डिज़ाइंस मिलेंगे, ठीक है, लगभग। तो आपको कुछ नया डिज़ाइंस चाहिए होता है, आप अलग अलग लोकेशंस ट्राई करते हो, अलग अलग वेंडर ट्राई करते हो, ठीक है। और इसी चक्कर में कभी कभी, हाँ, प्राइस रेंज भी, ठीक है, आप कोशिश करते हो कि कम से कम प्राइस में आपको बेहतर क्वालिटी मिलती जाए, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन एक जब प्राइस रेंज में का प्रोडक्ट जब आप ये करते हो, ठीक है, तो कभी कभी आपको क्वालिटी का इशू भी फेस करना पड़ जाता है बहुत सारा प्रोडक्ट्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक अभी आपको कुछ दिखा रहा हूँ, तो ये सब जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये बहुत सारा टी शर्ट्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ठीक है, ट्राउजर्स हो गया, ठीक है, ये सब का कलेक्शंस है। और इसी में एक जैसे ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट्स में मुझे अभी मतलब एक डिफेक्ट्स मिला है, कंप्लेन आया है कस्टमर का, ठीक है, तो इसके बारे में ही बात करते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए कि मेरे पास शॉर्ट्स में भी कितना सारा तरीका का है, एक हो गया, ठीक है, दो हो गया कॉटन में, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में मुझे कंप्लेन आ गया, ठीक है। एक बार कंप्लेन आया, मैं उसको इग्नोर किया कि मतलब चलो ठीक है, कभी कभी लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ, लेकिन फिर जब वो दोबारा कंप्लेन आया तो मैं उसको सीरियसली लिया। कंप्लेन आने पर मैं चलो ठीक है, उस वेंडर से मैं प्रोडक्ट्स नहीं लूँगा और उसको कंप्लेन भी करूँगा, ठीक है। लेकिन इसी कारण से मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारा मतलब जो अलग अलग प्राइस रेंज का होता है, जो मुझके साथ ज़रूरत भी नहीं होता है, फिर भी मैं पर्सनल यूज़ के लिए ट्राई करता हूँ, चाहे शर्ट्स हो गया, टी शर्ट हो गया, शॉर्ट्स हो गया, ठीक है। तो जितना भी मैं मेन्स वेयर का रखता हूँ, तो अलग अलग ब्रांड्स का ज़्यादातर मैं ट्राई करते रहता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब आप बहुत सारा डिज़ाइंस आपके पास आ रहा है, तो आप हर एक प्रोडक्ट्स को तो आप नहीं चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब कस्टमर का जब कंप्लेन आता है, ठीक है, तो हम लोग उसको सीरियसली एक्नॉलेज करते हैं। अगर हमारे पास वो स्टॉक्स अभी भी रहता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कम से कम प्राइस में, ठीक है, उसको ये क्योंकि वो लॉस बुक नहीं कर सकते हैं और पुराना वेंडर वापस भी नहीं लेता है। अगर पुराना वेंडर वापस लेता है तो उसको कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी शॉर्ट्स का ही एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, तो इस वेंडर का पेमेंट पूरा क्लियर हो चुका है, नाम है मतलब कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इनका मैं पेमेंट भी कर दिया था, इनको मैं कंप्लेन करूँगा, ये देने से मैं मतलब जो भी होता है कि नहीं मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो बाद में ही पता चलता है, जब धीरे धीरे आपका जब सेल होने लगेगा ना, तो आपको पता चलता है कि उसमें क्या क्वालिटी इशू है, ठीक है। तो जब हमें क्वालिटी इशू मिलता है, तो हम लोग देखते हैं कि कितना मतलब लेवल का है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्टिचिंग का इशू आ रहा था, तो उसको हम लोग जो कस्टमर को जो हुआ है वो इशू, ठीक है, तो उसको हम लोग कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम वो जब कुछ खरीदेंगे, तो उसमें हम लोग उनको कुछ अलग से डिस्काउंट देके और वहाँ पे कंपेंसेट करेंगे, और आगे जो वो प्रोडक्ट जो भी सेल होने वाला रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग और प्राइस मतलब लॉस बुक करके, ठीक है, कम से कम मतलब ये करके, और उसको कस्टमर को मतलब कि हाँ ये थोड़ा सा लो क्वालिटी का है और कम दाम का है, तो वो करके बता के उसको हम लोग बेचेंगे, सेल करेंगे। और ये एक नॉर्मल है मतलब, क्योंकि आप जब इतने सारे प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे देख लो, ठीक है, तो कोई ना कोई एक दो प्रोडक्ट्स कभी कभी हो सकता है, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम लोग भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, नया क्वालिटी, नया प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे वेंडर से काम करना है और अलग अलग, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राइस भी कम से कम होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मतलब अगर आप कोई भी चीज़, ठीक है, अगर आप बहुत महंगा ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें तो कोई भी क्वालिटी मतलब दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, लेकिन कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी आप ऑफर कर सको, ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा प्रोडक्ट्स ये सब मंगवाते रहना पड़ता है। और हाँ, कभी कभी एक दो को उस तरह का इशू आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप दुकानदार हैं तो आप यही कर सकते हो,
जैसे एक मेरा एक फंडा होता है कि आप कभी कभी ये भले आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिले, ज़्यादा जितना ज़्यादा बल्क मिलोगे उतना आपको कम मिले, कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कम से कम स्टॉक्स ही लें उस प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और जैसे जैसे आप उसको हो सके तो पर्सनल यूज़ करना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है तो उसको आप सीरियसली उसको लीजिए, ठीक है। और वो सेम अगर कभी कंप्लेन आता है तो सेम प्रोडक्ट, ठीक है, अवॉइड कीजिए। सेम वेंडर का अगर मान लीजिए बहुत बार उस तरह का इशू आ रहा है तो उस वेंडर से डिसकंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ज़्यादा क्वालिटी इशू आएगा तो आप कस्टमर लूज़ करोगे, ठीक है। एज अ कस्टमर के लिए मैं यही बता सकता हूँ कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, आप कभी भी परचेसिंग करोगे, ठीक है, तो कोई भी मतलब कहीं पे भी कोई फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, ठीक है, और वो अपने लेवल पे कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर के चलते, मशीनिंग एरर के चलते, ठीक है, वो डिफेक्ट्स अगर मान लीजिए आप तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो जो होलसेलर होते हैं, जो ये मेरे से रिटेलर होते हैं, वो लोग भी नहीं चाहते हैं जानबूझकर आपको लो क्वालिटी ये सब देना, ठीक है। तो लेकिन होता है कि ये मिस्टेक्स है, ये ह्यूमन एरर्स है, ठीक है, वो 1000 में 100 में 50 में कभी एक प्रोडक्ट्स में ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए निरंतर हर कोई अपने लेवल पे प्रयास करता है, ठीक है। और जैसे ये शॉर्ट्स में भी मुझे जो इशू आया था, तो जो मैं आपको बताया कि हाँ वेंडर से भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आप बात कर सकते हैं, वो भी आपको बोलेगा कि नहीं नेक्स्ट टाइम ऐसा इशू नहीं आएगा, ठीक है, तो हम उसे और बेटर क्वालिटी का, ठीक है, और बेटर थोड़ा सा मतलब महंगा पड़े और कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन कस्टमर को सही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। आप एज अ होलसेलर या रिटेलर या फिर कस्टमर, आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के प्रति क्या मतलब अपने एक्सपीरियंस से आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको बहुत सारा नया कलेक्शन और ये क्लॉथ शॉप रिलेटेड आपको बहुत सारा कुछ कुछ आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है, एज अ कस्टमर के लिए भी जो जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, और एज अगर आपका बिजनेस हो तो आपके लिए भी वो फायदेमंद रहेगा।